इनको जितना करना था वो करके देख लिए और उसका जवाब जनता ने दे दिया है। 3/4 बहुमत से हम जीते हैं और 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट गई है। और इतना ही दम है तो मैं बोल रहा हूँ कि मध्यावधि चुनाव करा ले, ये दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। ये 68 सीट के बाद करने वाले सिमट करके फिर 12 सीट में आ जाएंगे। चित्रकूट उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी से दुर्ग सांसद विजय बघेल के बयानों के बाद सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि इन्हें जितना करना था उसका जवाब जनता से मिल गया है। उपचुनाव में इस बार भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। भाजपा के हर सवाल का कांग्रेस ही उसी के अंदाज में जवाब दे रही है। भूपेश बघेल ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट गई, 2/3 बहुमत से जीते हैं, इससे बड़ा फैसला नहीं होता है। 15 साल में चावल की चोरी हुई, प्रत्याशी की खरीद फरोख्त हुई, जिस पर जांच होती है तो बदलापुर चिल्लाने लगते हैं। इनको जितना करना था वो करके देख लिए और उसका जवाब जनता ने दे दिया है। 3/4 बहुमत से हम जीते हैं और 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट गई है, इससे बड़ा फैसला कुछ नहीं होता। तो ये इधर सबकी ना दे, थोड़ा सा भी यदि कार्रवाई होती, जो चावल में चोरी हुई है उसकी जांच करें उसी समय का है, प्रत्याशी खरीद रहे हैं उसकी जांच हो रही है, और थोड़ा सा भी होता है तो बदलापुर चिल्लाने लगने चीखने लग जाते सारे लोग एक साथ चिल्लाने लग जाते। ये स्पष्ट करता है छत्तीसगढ़ को ये लोग लूटने का काम करते रहे। मुख्यमंत्री के बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सीएम के इसी बयान के बाद कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए चैलेंज किया है। अगर मध्यावधि चुनाव करा लिया जाए तो कांग्रेस को 12 सीट में सिमट जाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि कांग्रेस अपनी नीतियों की वजह से कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ सभी जगह साफ हो गई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से सौराष्ट्र तक, और आज कांग्रेस अपने कर्मों के कारण में न कश्मीर में है न कन्याकुमारी है, न कामरूप में है न सौराष्ट्र में है, अब उंगली में कांग्रेस आ गई है। इसलिए इस बात को आज चुनाव हो जाए और यदि पूरा दम उसमें है तो मध्यावर्ती चुनाव करा के देख ले, छत्तीसगढ़ के जनता बता देगी यदि हमने तुमको 15 सीट हमको दिए हैं और तुमको यदि हमने 68 सीट दिया है तो विधानसभा जब लोकसभा का भी चुनाव हुआ उसी 68 सीट देने वाले को जनता ने बता दिया कि जनता का विश्वास उन्होंने खोया। 11 में से 9 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है और इतना ही दम है तो मैं बोल रहा हूँ कि मध्यावधि चुनाव करा ले, ये दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। ये 68 सीट के बाद करने वाले सिमट करके फिर 12 सीट में आ जाएंगे। जगदलपुर से इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता मृण्मय बरोई की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। 55 साल में कुछ जो नहीं कर पाए पहले उसका जवाब दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को, अपने पीआर को छोड़ नहीं सकते।